नमस्कार, मैं हूं प्रवीण पंकज और आज आपके लिए रैपिड फायर का क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। 10 persons ए बी सी डी ई पी क्यू आर एस टी आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ वाइल सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 persons आर इक्वल। ठीक है, द पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन। जैसे सपोज कीजिए ये कुछ इस तरह से, चलिए यहाँ पर बाउंड्री दे देते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन का रहेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम लोग एज्यूम करते हैं हमारा क्या सेट बन सकता है, इस प्रकार से बन सकता है। पहले यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट 10। इसमें क्या दिया हुआ है? दोनों अपोजिट एंड पर है, मतलब कि एक्सट्रीम एंड का क्या है, अगर कोई इस साइड देख रहा है तो ये इस साइड देखेगा, यही है ना, दोनों क्या है अपोजिट देख रहा है। चलिए यहां तक ठीक है। 2 persons सिट बिटवीन पी एंड आर, यहां पर क्या है, पी सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। पी कहां है? एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। तो पी इधर यहां हो सकता है और आपका पी एक यहां हो सकता है, एक्सट्रीम एंड पी यहां हो सकता है या फिर पी यहां हो सकता है। चलिए सपोज करते हैं, एक कंडीशन लेते हैं, पी यहां है। 2 persons सीट बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच में कितना है, दो आदमी है, 1 2 यहां पर क्या हो जाएगा, आर। चलिए ए सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के थर्ड लेफ्ट में कौन है, एस है। तो आर अगर नॉर्थ की ओर देखेगा तो इसका लेफ्ट कैसा हो जाएगा, इस साइड। इस साइड यहां पर क्या ऑलरेडी पी है, इसका लेफ्ट कब इस साइड आएगा, इस डायरेक्शन कब आएगा, जब ये साउथ की ओर देखेगा तभी तो इसका लेफ्ट इधर होगा। तो 1 2 3 यहां पर क्या हो गया आपका, एस। चलिए फिर उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन पी एंड एस इज सेम एज बिटवीन आर एंड बी। पी और एस के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 5 persons है। तो आर और बी के बीच में भी कितना रहेगा, 5 persons, 1 2 3 4 5। तो यहां पर क्या होगा, बी आएगा। तो आप देखिए ऑटोमेटिक यहां पर बी आ गया, तो यहां से पी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। यहां से पी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बी है। यहां पर क्या आएगा, बी। क्यों? क्योंकि पी और एस के बीच में जितना पर्सन हो सकता है उतना ही आर और बी के बीच में होना चाहिए। तो हमारा एंड पॉइंट सब मिल गया, पी और बी मिल गया, मतलब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया क्योंकि मुझे एंड पॉइंट्स मिल गए। बी सीट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, ए के राइट में बी कब आएगा, जब ए नॉर्थ की ओर देखेगा, तभी तो हमारा राइट इधर आएगा। तो इधर से देखिए 1 2 3 4 यहां पर कौन आएगा, ए। ए के फोर्थ में बी है, तो ए किधर देखेगा, नॉर्थ की ओर। चलिए इमीडिएट नेबर्स ऑफ एस आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, एस का जो इमीडिएट नेबर है सेम डायरेक्शन है, तो एक का एस का एक डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ की ओर। तो ये भी किधर हो जाएगा, नॉर्थ की ओर ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन। टी एंड सी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ इच अदर, टी और सी क्या है, इमीडिएट नेबर्स ऑफ इच अदर एंड नीदर ऑफ देम फेसेस नॉर्थ, नीदर ऑफ देम फेसेस नॉर्थ। चलिए यहां पर देखते हैं, तो टी और सी के लिए कौन सी जगह हो सकता है जिसमें कि वो दोनों क्या है, आपस में क्या है, नेबर हो। और दूसरी बात यह है कि दोनों के दोनों जो है ना, आपका नॉर्थ की ओर फेस नहीं होना चाहिए। यहां पर खाली है, यहां पर खाली है, दो स्पेस बचा हुआ है। तो यहां पर देखिए ऑलरेडी एक नॉर्थ की ओर के, यहां पर टी और सी आ सकता है, नहीं आ सकता। तो टी और सी कहां आएगा, यहां आएगा। यहां पर टी और सी हो सकता है या फिर सी और टी हो सकता है, दोनों तो नेवर है। चलिए देखते हैं कौन सिचुएशन में कौन सा बैठता है, जो ये इधर टी सी होगा या फिर सी और टी होगा। चलिए आगे देखते हैं, नॉर इमीडिएट नेवर ऑफ बी फेसेस नॉर्थ, ना तो बी का जो इमीडिएट नेवर है वो किधर है, नॉर्थ की ओर फेस करता है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो बी का जो इमीडिएट नेवर है वो किधर है, नॉर्थ की ओर फेस नहीं करता। तो ऑटोमेटिक इधर हो जाएगा, ये किधर फेस करेगा आपका,
ये आपका साउथ में फेस करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ, नॉर्थ की ओर फेस नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, ई है। अगर ई यहाँ रहता है तो इसका सेकंड लेफ्ट कौन सा हो जाएगा आप बताइए, इसका सेकंड लेफ्ट इस साइड डायरेक्शन हो जाएगा। ये डायरेक्शन में कुछ है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है आपका ये सही है, तभी तो इसका सेकंड लेफ्ट में होगा, तो ये आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या कॉम्बिनेशन मिल गया, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर टी होगा, और फिर ये क्या है साउथ की ओर देखेगा तब इसका लेफ्ट इधर आएगा, और इसका लेफ्ट में कौन है, ई है। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, ई आ गया, और यहाँ पर आपका सी है। चलिए यहां तक मिल गया मेरा, सी और टी हो गया। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए क्या है, टी एंड सी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर एंड नीदर ऑफ देम फेसेस नॉर्थ है। ठीक है, ये भी सही है कि टी जो कि साउथ की ओर देख रहा है तो सी भी किधर देखेगा, साउथ की ओर, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है नॉर्थ की ओर नहीं देखता। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पर्सन सीटिंग बिटवीन एस एंड डी इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन पी एंड आर। पी एंड आर के बीच में जितने लोग हैं उससे एक कम लोग है, एक कम लोग है किसके बीच में, एस और डी के बीच में। तो पहले ये निकाल लेते हैं पी और आर के बीच में कितने लोग हैं, पी और आर के बीच में कितने हैं, दो लोग हैं, यानी कि एस और डी के बीच में कितने लोग रहेंगे, एक लोग रहेंगे। तो एस यहां है तो डी कहां आएगा, यहां आएगा, एस और डी हो गया। अब देखिए हमारा सब कुछ मिल चुका है, ए बी सी डी सब कुछ मिल चुका है, एक स्पेसिफिक बचा हुआ है, किसके लिए बचा हुआ है, ये आपका क्यू के लिए बचा हुआ है, क्योंकि सारा मेरा पूरा फील्ड हो गया है। आगे देखते हैं, पर्सन फेसिंग नॉर्थ टू द नॉर्थ आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। जो नॉर्थ की ओर देख रहा है वो लोग क्या है, एक साथ नहीं रह सकते हैं, एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये अगर नॉर्थ की ओर है, अगर इसको भी हम नॉर्थ की ओर कर देते हैं तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा, इसलिए इसका डायरेक्शन किधर होगा, साउथ की ओर, तभी तो हो सकता है ना, नहीं तो फिर क्या होगा, दोनों नॉर्थ की ओर नहीं देखना चाहिए। यहाँ भी अब उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए नॉर्थ की ओर है तो निश्चित रूप से ये साउथ की ओर होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर नॉर्थ की ओर कर देते हैं तो क्या होगा, कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा, दो नॉर्थ की ओर एक साथ एक तरफ देखना शुरू कर देंगे, जो कि नहीं हो सकता है। चलिए, सी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, देखिए आ गया मेरा सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। तो हमने क्या देखा था कि P का मैंने डायरेक्शन क्या देखा, चाहे तो इधर हो सकता है चाहे तो इधर हो सकता है। अब आप ही बताइए P का लेफ्ट में C आना चाहिए तो P को किधर देखना होगा, आप ही बताइए, P क्या है ऊपर में देखेगा तो इधर क्या होगा, इसका राइट हो जाएगा, यानी क्या हो गया, P किधर देखेगा, P आपका ये साउथ की ओर देखेगा, तभी तो इसका लेफ्ट में सी आएगा। तो देखिए कितना आसानी से ये हमारा क्वेश्चन एक कंप्लीट हो गया, रैपिड फायर राउंड में जो है कि ज्यादा कुछ करना नहीं है, जैसे क्वेश्चन है मैंने पहले सारे वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं कि कैसे सोल्व करना है, इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है और प्रैक्टिस करना है, आपका भी उतना ही स्पीड हो जाएगा जितना कि मेरा स्पीड है। तो देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन आराम से बन गया, कितना मिनट लगा, 2 मिनट बना। अब देखिए आप क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग आर फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की ओर कौन कौन देख रहा है आप बताइए, एक ये देख रहा है नॉर्थ की ओर और एक ये देख रहा है नॉर्थ की ओर, और कोई है, और कोई है नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो, टू पर्सन आर सिटिंग नॉर्थ है। सेकंड, पर्सन सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट एंड थर्ड टू द राइट ऑफ ए आर, एक थर्ड लेफ्ट और एक थर्ड राइट में कौन कौन है, अब देखें एक थर्ड लेफ्ट और एक थर्ड राइट में कौन कौन है आप बताइए, ए अंदर की ओर देख रहा है, इसका राइट कौन सा होगा, इस डायरेक्शन में राइट होगा, तो आप देखिए 1 2 3 थर्ड राइट कौन हो गया, ये हो गया डी, इसका थर्ड लेफ्ट कौन हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हो गया, तो यहां पर क्या आ गया, टी और डी हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, टी एंड डी, ये हो गया टी एंड डी। उसके बाद देखिए, हाँ एक टी और याद रखिएगा, पहले क्या लिखा हुआ, पर्सन सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट, पहले लेफ्ट वाले को लेना है, टी एंड डी क्वेश्चन में, क्वेश्चन ऑप्शन जो आप पर रहेगा इसमें डी एंड टी भी रह सकता है, तो डी एंड टी अगर आप टिक मारिएगा, जैसे सपोज कीजिए इसका ऑप्शन अगर है टी एंड डी है, फिर उसके बाद है डी एंड टी है, तो आप ऑप्शन क्या मारिए, ये मारिए, क्योंकि पहले क्या दिया हुआ, लेफ्ट दिया हुआ, उसके बाद राइट दिया हुआ, तो पहले लेफ्ट को लेंगे तो लेफ्ट में कौन है, टी है, इसलिए ऑप्शन ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, हु सिट्स
थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के थर्ड लेफ्ट में कौन है, इसका लेफ्ट किधर आएगा आप बताइए। ये तो साउथ की ओर देख रहा है, साउथ की ओर देख रहा है। हाँ देखिए, अब बी का डायरेक्शन में क्या है, साउथ की ओर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, द पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। तो आप बताइए पी अगर साउथ की ओर देख रहा है तो ये किधर देखेगा, ये आपका हो जाएगा नॉर्थ की ओर, क्योंकि एक्सट्रीम एंड पर जो पर्सन है वो किधर की ओर देखता है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो बी क्या होगा, इस डायरेक्शन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के थर्ड लेफ्ट में कौन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपका थर्ड लेफ्ट में कौन है, ये है एस। और फिर क्या है, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के थर्ड लेफ्ट में कौन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये पी। इसका मतलब क्या हो गया, आपका एक आंसर एस रहेगा, दूसरा पी रहेगा, एस एंड पी हो जाएगा, एस एंड पी। तो देखिए हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है कि आजकल हर एक एग्जाम में पूछे जाने लगे, खास करके बैंकिंग आपका हो गया, आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम हो गया, यूपीएससी में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। यूपीएससी का भी आपको सेट में कराऊंगा, सीसेट का क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसमें आप देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए रैपिड फायर राउंड में जो है इसी प्रकार का मैं क्वेश्चन दूंगा, उसमें ज्यादा मैं इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि उसके लिए मैंने आपको अधिक से अधिक जो है कि आपको मेथड बता चुका हूं कि कैसे आपको एक्सट्रैक्ट करना है इन्फॉर्मेशन, कैसे प्रोसीड करना है। अब आपको एग्जाम में क्या करना है, क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन को जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे आपको प्रोसीड करना पड़ेगा, क्वेश्चन का आंसर तक पहुंचना पड़ेगा। तो चलिए आज का ये हो गया, उसके बाद रैपिड फायर राउंड में सेकंड टाइप का क्वेश्चन और आता है वो है डायरेक्शन से। चलिए शुरू करते हैं डायरेक्शन से। चलिए ये है हमारा डायरेक्शन सेंस टेस्ट का क्वेश्चन, चलिए इसको फिनिश करते हैं, फटाफट फिनिश करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं करेंगे हम लोग इस पर। देखिए ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए a प्लस बी और b का प्लस क्या है, 5 है। तो यहाँ पर क्या चीज है, आप देखिए यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पर 5 है, इसका मतलब क्या है, ये 5 है, ये डिजिट का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए ये 5, ये 10, मतलब क्या है, 5 प्लस 5 10, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 5 17, 11 प्लस 5 16। तो उसी तरह से ये जो हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसके बेसिस पर हमारे पास तीन क्वेश्चन है, उसका क्या करना, आंसर करना है। तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या बोला था, इसमें सिर्फ एक तीन कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट क्या था आपका पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट, दूसरा पाइथागोरस थ्योरम, और थर्ड जो है आपका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे डायरेक्शन क्या क्या करना है, ये आपका हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, आराम से तुरंत बनाते हैं। देखिए आर और पी 13, इसका मतलब क्या है, ये सिंबल कहाँ है, इस पर है, इसका मतलब क्या है, वेस्ट है, किसका वेस्ट है, बी का वेस्ट में ए है, यानी कि पी के वेस्ट में कौन होगा आप बताइए। यहां पर सपोज कीजिए पी है, तो पी के वेस्ट में कौन है, आर है, तो वेस्ट डायरेक्शन किधर है, इधर है, यानी कि हम लोग को यहां पर जाना पड़ेगा, यहां पर आर। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 13 प्लस 5 18, ये हो गया हमारा 18, ये हो गया आपका P। चलिए ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, P और Q का रिलेशन दिया हुआ है, फिर इसका मतलब क्या है आपका, इसका मतलब क्या है, देखिए वेस्ट मतलब P क्या है, Q के वेस्ट में है, तो Q किधर होगा, इधर होगा, तभी तो इसका वेस्ट होगा, यानी कि इसी पॉइंट को एक्सटेंड कर देते हैं, यहां पर Q हो गया, Q के देखिए वेस्ट में ये है, कितना डिस्टेंस है 19 है, 19 प्लस 5 कितना होगा 24, 5 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 5 प्लस 5 10, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 5 17, 11 प्लस 5 16, ये कॉम्बिनेशन यहां पर दिया हुआ है, उसी के बेसिस पर हम लोग इसको डिराइव कर रहे हैं। आगे देखते हैं s प्लस q कितना है 5, प्लस का साइन का मतलब क्या है नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ किसका b, मतलब s क्या है q के नॉर्थ में है, s क्या है q के नॉर्थ में, तो नॉर्थ किधर हो जाएगा मेरा, ऊपर हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा s आया कुछ इस डायरेक्शन में। चलिए ये हो गया, फिर उसके बाद क्या है आपका, कितना डिस्टेंस हो जाएगा 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए
अब उसके बाद फिर देखते हैं क्या है हमारा यू स्लैश एस, स्लैश का मतलब क्या है वेस्ट, तो एस के वेस्ट में कौन है यू, तो इसका वेस्ट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा एस, डिस्टेंस कितना जाएगा 19 है, 19 प्लस 5 कितना जाएगा 24, ये भी हो गया पर 24। चलिए ये डायरेक्शन क्या देने का मतलब कोई बनता नहीं है, बस एक लूप जैसे मैं बना रहा हूं इसलिए ए एरो दिखा रहा हूं। एरो का मतलब ये नहीं है कि ए आप एरो को इस डायरेक्शन में भी दिखा सकते हैं, इस डायरेक्शन में दिखा सकते हैं, किसी में भी दिखा सकते हैं। एरो दिखाने से क्या होता है थोड़ा सा ये क्या कहते हैं ब्यूटीफुल लगता है, थोड़ा सुंदर लगता है, इसीलिए दिखला रहा हूं, और कोई बात नहीं है। चलिए एस हो गया, एस के ऊपर यहाँ पर क्या आ गया आपका यू आ गया, यहाँ पर क्या आ गया यू। उसके बाद देखिए यू और टी माइनस, माइनस का मतलब क्या है सॉफ्ट, सॉफ्ट कितना है 5, तो इसका बताइए आप यू, यू क्या है टी के सॉफ्ट में, तो टी किधर रहेगा तो सॉफ्ट में आएगा, निश्चित रूप से टी कहाँ जाएगा ऊपर की ओर जाएगा, टी यहां रहेगा तभी तो इसका सॉफ्ट में इधर आएगा, तो इसका बीच का डिस्टेंस कितना है आप बताइए 5 है, तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा ये आप देखिए 10 हो गया, हमारा ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। इसके आधार, इसके बेसिस पर जो है आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू आर, आर यहां है एस यहां है, तो विथ रिस्पेक्ट टू आर जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा उसके जगह पर उस पॉइंट पर क्या करेंगे इसको इस फिगर को उठा करके यहां पर रख देंगे, तो इस फिगर को उठा करके यहां पर रख दीजिए, आर के रिस्पेक्ट में बोल रहा है तो आर के जगह पर यहां रख दीजिए। देखिए इस डायरेक्शन में क्या इस डायरेक्शन जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है, इस डायरेक्शन में है तो देखिए इसको एक्सटेंड कीजिए, और इस डायरेक्शन में क्या है आपका देखिए यहां पर क्या है नॉर्थ ईस्ट, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एस एंड पी, एस और पी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां पर क्या है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल जब भी बनता है तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट लगाना है पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाना है, यहां पर से इसको क्या कर देते हैं मिक्स कर देते हैं, आप यहां पर से इसको मिक्स कीजिए ये हो गया, ये क्या आप देख रहे हैं ये 10 है ये 24 है, इसको क्या है दो से दो डिविजिबल है, ये 5 हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 5 और 12 है ये ट्रिपलेट जैसा बना 5 12 13, तो ये कितना हो जाएगा 13, 13 हो गया 5 12 तो ये 13। अब देखिए इसमें कितना का रेशियो है दो का रेशियो है, इसमें कितना का रेशियो है दो का रेशियो है, तो 13 का डबल कितना हो जाएगा 26, तो जैसे 5 12 और ये 13 क्या हो गया ये ट्रिपलेट, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिपलेट। उसी तरह से इसका डबल कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना होगा 10 24 26, फिर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कितना होगा 20 48 और ये 52, तो इस तरह से ट्रिपलेट चलता है। इसलिए जब भी आपके क्वेश्चन में कहीं भी आपको दिखाई दे कि अगर दोनों दो से डिविजिबल है तो एक बार उसको जरूर चेक कर दीजिए, चेक कर लीजिए उसको लोवेस्ट डिजिट पर लेके चले, क्योंकि 5 के बाद कोई डिविजिबल किसी से नहीं रहा, सिर्फ अपने से डिविजिबल है और सिर्फ और एक से डिविजिबल है मतलब प्राइम नंबर हो जाता है, तो इसलिए हम लोग क्या किए 10 और 24 का निकालने के बजाय हमने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया 5 हो गया 12 हो गया, तो मुझे याद आ गया सबको याद रहता है कि ट्रिपलेट होता है 5 12 13, तो जब 5 12 13 हो गया तो 10 24 तो कितना होगा 26, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 26। थर्ड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, टी का क्या डायरेक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, आप बताइए अब क्या लाना है क्यू, क्यू यहां पर है विथ रिस्पेक्ट टू क्यू कर रहा है, तो फिर से क्या कीजिएगा आप क्यू के पास क्या लेकर आइएगा बोलिए, क्यू के पास आपको लाना होगा इस फिगर को, इस फिगर को उठा करके यहां पर रख दीजिए ऐसा, ये किधर जा रहा है टी के पास है, यहां से कीजिए कुछ इस डायरेक्शन में गया, तो ये किस डायरेक्शन में है आप बताइए किस डायरेक्शन में जा रहा है नॉर्थ वेस्ट, सही तो ये आपका हो गया नॉर्थ वेस्ट,
ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें एक चीज देखना था कि ये 5 है, ये 10 है, 7 है, 12 है, 12 तरफ से बचेंगे तो किस प्रकार से ये जो है कि आपका एक मतलब क्या कहते हैं सीक्वेंस बना रहा है, उसी सीक्वेंस को जब फाइंड आउट कर लीजिएगा तो उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाता है। तो रैपिड फायर राउंड जो हमारा शुरू किए हैं उसमें ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, रैंडम क्वेश्चन आएगा और उसको हम लोग 2 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं देंगे। किसी भी एग्जाम में अगर 20 क्वेश्चन रहता है, 25 क्वेश्चन रहता है तो रीजनिंग में कितना समय लगना चाहिए, मात्र 15 मिनट लगना चाहिए, 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। मैं ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इसलिए आपको भी वैसा ही प्रैक्टिस करना होगा। आपको 20 क्वेश्चन 10 to 15 मिनट्स के विदिन होना चाहिए, उसमें एक सिटिंग अरेंजमेंट पक्का रहेगा, एक डिरेक्शन टेस्ट पक्का रहेगा, तो आपका 5+5 कितना हो गया 10 मार्क्स, 10 मार्क्स आपका सिक्योर्ड है। और सिटिंग अरेंजमेंट प्लस डिरेक्शन टेस्ट मिला करके आपको कितने मिनट लगने चाहिए, 5 मिनट लगने चाहिए, 5 to 7 मिनट लगना चाहिए, 5 to 7 मिनट से ज्यादा आपका नहीं लगना चाहिए। इससे ज्यादा अगर लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को बार बार देखिए, मैं किस कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा हूँ उसी कॉन्सेप्ट को आप यूज कीजिए और आप देखिएगा आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट डे फिर आपके लिए रैपिड टेस्ट का, रैपिड फायर राउंड का जो है कि सेकंड सेट लाऊंगा, सेकंड सीरीज लाऊंगा, उसमें भी रैंडम क्वेश्चन हम लोग सिलेक्ट करेंगे और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।